हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल सुदेश नागर व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हो। मैं भी फिलहाल ठीक हूँ। तो अभी मेरे पास आप लोगों के कमेंट आए हैं और फिर आपने इंस्टाग्राम पर भी पूछा है मुझसे कि दीदी आपको क्या हुआ था जो आपने 10-12 दिन का यूट्यूब से ब्रेक लिया। और फिर आपने कम्युनिटी पर भी डाला था कि आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम जानना चाहते हैं कि प्लीज़ आपके साथ हुआ क्या था, ये चीज़ आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो बहुत ज़्यादा मैंने ये सोचा, फिर मैंने यही डिसीजन लिया कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो मेरे व्यूवर है, उनको अगर मैं अपनी डेली लाइफ शेयर करती हूँ तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि पिछले 10-12 दिनों में मुझे क्या हुआ था। तो जो मैंने सबसे लास्ट में वीडियो डाली थी कि मैं कैमरे के सामने रो पड़ी, कुछ ऐसे टाइटल था। तो उस टाइम तक मुझे जो है वो माइल्ड फीवर था और जुखाम था, खांसी थी। तो मैंने सोचा कि शायद हमारे एसी वगैरह चल रहा है तो उसकी वजह से मुझे हल्के फुल्के सर्दी जुखाम हो गए हैं। और मैं वीडियोस भी बनाती रही आपके साथ और कम से कम 4 दिन मेरी तबीयत ऐसी ही रही। जुखाम रहा मुझे, आंखों से पानी आ रहा था, मेरे फीवर हो गया था। तो ज़्यादा फीवर तेज वाला नहीं था, जो 100 वाला रहता है वैसा ही था। तो मुझे बस मैं उसको बहुत हल्के में ले रही थी। लेकिन 3-4 दिन के बाद अचानक से मेरी जो तबीयत है वो बिगड़नी स्टार्ट हो गई। तो मुझे बहुत तेज वाला फीवर आने लगा और उसके साथ मुझे उल्टी, दस्त और जुखाम, खांसी और जो मेरा ये जो सारा गला है ये बिल्कुल पक गया। सॉरी, मुझे अभी भी खांसी आ रही है उसकी वजह से। तो जो मेरा गला है ये बिल्कुल पक गया था अंदर से, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। तो मैं डर गई कहीं ना कहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे कोरोना हो गया है। कोरोना से ज़्यादातर लोग क्यों डरते हैं कि अगर एक इंसान उसकी चपेट में आ जाए तो जो पूरी फैमिली है या आसपास के लोग हैं वो सारे उसकी चपेट में आ जाते हैं कोरोना की। तो आपको पता है कि इसमें जो जान का जोखिम है बहुत ज़्यादा है, हर कोई सरवाइव नहीं कर सकता कोरोना से। तो इस वजह से थोड़ा डर लगता है। तो मैं भी डर गई थी जब मेरी ऐसी हालत हुई। तो मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ख़ास तौर पर ऐसी सिचुएशन संभालने के लिए मेरे हस्बैंड बहुत स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। और मैं ऐसी जब सिचुएशन कुछ भी वीक सिचुएशन होती है मेरे घर में तो मैं थोड़ा पैनिक कर जाती हूँ, मैं हमेशा घबरा जाती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड उस टाइम पर हमेशा मजबूत बने रहते हैं। वो दिमाग से काम लेते हैं कि अब ये जो सिचुएशन हुई है इसको कैसे हैंडल करना है। तो वो समझ गए थे कि मुझे जो कोरोना के सिम्टम्स हैं और मैं मतलब क्योंकि इससे पहले इस तरीके का फीवर मुझे आज तक मेरी पूरी लाइफ में नहीं हुआ कि आपको सर में दर्द है, आंखों से पानी आ रहा है, जुखाम है, उल्टी है, दस्त है, गले में प्रॉब्लम है, खांसी है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, बुखार है, वीकनेस है। तो मतलब ये चीज़ें मैंने एक साथ कभी फेस नहीं की थी अपनी लाइफ में। तो मेरे जो हस्बैंड है वो समझ गए थे कि मुझे मतलब प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे गर्म पानी स्टार्ट किया, जो मैं आपको अपने घर की चीज़ें बताऊंगी कि मैंने कोई डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, लेकिन मैं आपको साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ कि कोरोना से डरना नहीं है, इसको समझना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गाइड करना स्टार्ट किया। तो मैंने गर्म पानी, ग्रीन टी और नारियल पानी और ग्लूकॉन डी, मतलब जितना लिक्विड फॉर्म है वो मैंने ज़्यादा स्टार्ट किया पीना। और गर्म चीज़ें जैसे चाय हो गई, दूध हो गई, गर्म पानी हो गया,
गाढ़ा हो गया, ग्रीन टी हो गई। इस तरीके से मैंने गर्म चीजें पीनी स्टार्ट की तो मुझे फीवर मेरा मतलब हल्का हल्का सा मुझे लगने लगा कि उसमें आराम है। और सबसे बड़ी चीज है, इसमें पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको पता चलती है कि आपको कोरोना है तो आपको जो आपकी विल पावर है उसको इतना मजबूत रखना है, इतना मजबूत रखना है कि अगर मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई बीमारी पता चलती है कि कोरोना एक फीवर है, एक बुखार है, जैसे वायरल फीवर को हम फेस करते आ रहे हैं, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, वैसे ही ये कोरोना भी एक डिसीज है। इसमें ये होता है कि ये बस पूरी और लोगों को स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तो जैसे आपको पता चलता है कि आपके कोई भी रोज सिचुएशन हो गई है घर में, या फिर आपको कोई ऐसी खतरनाक बीमारी है तो आप उसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो सेम वैसे ही इस टाइम पर भी अगर आपको पता चलता है कि आप कोरोना पॉजिटिव है या आपके आसपास के लोग कोरोना पॉजिटिव है तो आपको पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको उसका सोल्यूशन निकालना है कि सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने गर्म चीजें बहुत ज्यादा ली है, रेस्ट किया है, और मैं सोशल मीडिया से कुछ टाइम के लिए बिल्कुल दूर हो गई थी। आपको पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे भी या मैं यूट्यूब पर डेली वीडियोस डालती हूँ, लेकिन मैं इस टाइम पे बिल्कुल मैंने फोन को एक साइड में रख दिया था। और बस क्या है कि मैं अपने थोड़ा खाने पीने पे ध्यान रखती रही, और जब भी मैं थोड़ा घबराती थी तो मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते थे कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, गर्म पानी पीते रहो, ठीक हो जाओगे। और पैरासीटामोल की, जो जब भी मुझे फीवर होता था पैरासीटामोल की टैबलेट ले रही थी मैं। और उसके बाद जब ऐसे हो गए, मुझे ये जो फीवर है इसको लगभग 8-10 दिन हो गए, उसके बाद मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई है। और जो मैं समझी हूँ कि इसमें जो डेथ होती है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम की ही वजह से होती है। इसमें क्या होता है कि आपको गहरी सांस आनी बंद हो जाती है, आप सांस नहीं ले पाते हो। तो ये जो इन्फेक्शन है, ये जो कोरोना वायरस है, आपके लंग्स पर अटैक करता है, जिससे जो आपके फेफड़े हैं वो प्रॉपर फूल नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जब गहरी सांस नहीं आती है तो हम लोग और घबरा जाते हैं, तो उस टाइम पर वो बहुत ही वीक पॉइंट होता है। उस टाइम पर आपको सांस लेने की कोशिश करनी है, और एक्सरसाइज वगैरह भी आप हल्की फुल्की कर सकते हो। जैसे कि आज के टाइम में आप अगर यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो बहुत नॉलेजेबल वीडियोस हैं, जो डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कोरोना से कैसे लड़ सकते हो, या आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैसे उसको हील कर सकते हो। तो मुझे 3 दिन कम से कम बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम रही है, तो ऐसे नहीं था कि मैं बिल्कुल ही सांस नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन हाँ, जैसे कि मैं इस टाइम पर आपसे बात कर रही हूँ और सांस ले रही हूँ, उस तरीके से बिल्कुल भी मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे ऐसे लगता था जैसे किसी ने मेरा दम घोट दिया हो, या फिर मुझे बिल्कुल बंद वाली जगह में बंद कर दिया हो, जहाँ पे मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो वहाँ पे भी मैं मतलब गर्म पानी वगैरह ही मैंने पिया है, इससे ही मैं ठीक हुई हूँ। तो बस मैं आप सब लोगों से भी यही कहूंगी कि थोड़े से मेंटली स्ट्रांग रहिए। और मैं भी डर गई थी कि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो ये कोरोना कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड में, फैमिली में, मेरे बच्चों को परेशान ना करे। तो इस टाइम पर अगर आपको लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव है तो प्लीज आप थोड़ा सा एक रूम में, दूसरे रूम में ही रहिए, आइसोलेट रहिए,
और मास्क जरूर लगा के रखिए। और मतलब यह है कि थोड़ा सा जैसे कि हम फैमिली में सब एक साथ रहते हैं उस टाइम पर थोड़ा सा फैमिली से साइड में हो जाइए। और वो सभी पूरा जो फैमिली है सभी को काढ़ा ग्रीन टी और गर्म पानी पिलाते रहिए ताकि कि जो वायरस है उनको इफेक्ट ना डाले। तो फ्रेंड्स ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। बहुत चीज़ें हुई हैं इन 10-12 दिनों में जो मैंने फेस किया था। तो डरने की चीज़ नहीं है, जितना कि हम लोग डर रहे हैं इसको बस समझना है कि ये एक बीमारी है, इसके साथ कैसे डील करना है वो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहते हो, आप पैनिक नहीं करते हो, और आपके साथ कोई ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए इस टाइम पर जो आपको गाइड कर सके, जो आपको मेंटली स्ट्रांग रख सके। तो जो कि जो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ वो रहे थे और उन्होंने इतना मुझे उस टाइम पर सपोर्ट किया है कि मुझे मतलब पता था कि मुझे कोरोना है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उनको देख के बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे मुझे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फीवर है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है इस टाइम पर, संभाला है, क्योंकि हम लोग थोड़े मेंटली वीक हो जाते हैं जब ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है और कोरोना वर्ड से ही डर लगता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे जो व्यूवर है उनसे मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी पैनिक मत की करना। कुछ भी अगर सिचुएशन हो, कोरोना से भी बड़ी बड़ी हमारी लाइफ में चीज़ें हुई हैं या होती हैं, हमें पता नहीं है कि हमारे फ्यूचर में कब हमको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो हम सब लोग उन प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सेम ऐसे ही ये भी चीज़ है, एज के अकॉर्डिंग वैक्सीन लग रही है। तो शायद अभी 40 प्लस कुछ, 35 प्लस ऐसे कुछ चल रहा है, मुझे इतनी ज़्यादा पता नहीं है। तो अगर आपकी एज के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन लग रही है तो ज़रूर लगवाइए जाके, क्योंकि उससे क्या होता है हम लोग थोड़े से अंदर से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है। और एक चीज़ और बताऊंगी कि मैंने जैसे ही मतलब मुझे कोरोना हुआ था उससे पहले मैंने 20-25 दिन कम से कम एक्सरसाइज की है, और मैंने मतलब मुझे थोड़ा सा अपना वेट लूज करना था और थोड़ा सा फिट होना था तो मैंने जिम ज्वाइन किया था। और मैं 20 दिन कुछ गई हूँ वहाँ पे, तो जो मैंने एक्सरसाइज की थी तो मुझे ये भी फील होता है कि उस एक्सरसाइज की वजह से भी मैंने रिकवरी की है, मैं ठीक हुई हूँ। तो अगर आप घर पे भी हैं तो मैं अब भी एक्सरसाइज कर रही हूँ अपने घर पे। अगर आप अपने घर पर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको पता है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन है, तो प्लीज़ आप अपने घर पर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, फिट रहिए, अपनी फैमिली को फिट रखिए, उनके खाने पीने का ध्यान रखिए। और ये एक महामारी है, आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा इससे सभी लोग डरे हुए हैं, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई दूसरा इंसान आके आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करना है आपको या आपके परिवार को ही करना पड़ता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए और बस पॉजिटिव रहिए, सब कुछ ठीक होगा। तो चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और कि मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी तो मैं बिल्कुल भी आपसे ये सजेशन नहीं करूँगी। सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, हो सकता है कि आपको डॉक्टर की या हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए तो प्लीज़ आप हॉस्पिटल जाइए। मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, लेकिन हाँ, मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी वो मैंने अपने घर से ही ठीक की है और बिल्कुल फिट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।